हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 7 में सब्जेक्ट साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 4 उष्मा, उसके बारे में फर्स्ट वीडियो में हम अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 उष्मा की सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे 4.4 उष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, तो उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, चलिए पढ़ते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह क्या होता है, तप्त होता है यानी गर्म होता है। इसका कारण है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। तो आपने देखा होगा, आप कभी भी बर्तन रख रहे हो गैस पर, तो क्या होता है कि एकदम से क्या होता है, धीमे धीमे वो बर्तन गर्म होने लगता है, यानी उष्मा क्या होती है, ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा देते हैं यानी कि उसको गैस पर से हटा देते हो आप, तो क्या होता है, वो धीमे धीमे ठंडा हो जाता है। एकदम तुरंत ठंडा नहीं होता है, धीरे धीरे क्या कर होता है, बर्तन ठंडा होता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, उष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित तो हो जाती है। ठीक है, तो वो बर्तन जो है उष्मा से हटने के बाद, ज्वाला से हटने के बाद धीमे धीमे ठंडा क्यों हो जाता है, तो जो उष्मा होती है क्या होती है, बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित होती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में उष्मा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित तो होती है। अर्थात कि दोनों स्थितियां, पहला आपने देखा क्या किया, जो बर्तन था आपने क्या किया, उसको गैस पर रखा, ज्वाला पर रखा, तो क्या किया, पहले वो गर्म हो गया, फिर आपने उसको हटा दिया तो क्या हुआ, वो गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित हो गई। वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। आगे देखेंगे, पहली जानना चाहती है क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो उष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं, हम उसके लिए हमको क्रियाकलाप 4.6 करना पड़ेगा। क्रियाकलाप 4.6 में देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम या लोहे जैसे किसी वस्तु धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। यह छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। यह टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए, जैसा कि चित्र 4.7 में आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। इस तरह से क्या किया गया है, एक स्केल ली गई है, फिर उस पर क्या किया गया है, धातु की छड़ या आप चपटी पट्टी ले लीजिए, उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाए गए इस तरह से। ठीक है, अब क्या किया गया है, यहाँ पर आगे देखेंगे हम, पहले पढ़ने में छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसी है। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबा कर रख सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिया गया है। चित्र 4.7 में क्या किया गया, जो स्केल है, जो छड़ है, क्या किया गया है, उसको ईंटों के बीच में दबा के रख दिया गया है, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए किस तरह से यहाँ पर गर्म किया गया है, मोमबत्ती जला दी गई है और जो उसका दूसरा जो सिरा है, जो मुक्त सिरा है, वहाँ पर क्या किया गया, मोमबत्ती लगा के उसको गर्म किया जा रहा है। चित्र 4.7 में किसी धातु की पट्टी में उष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन। मोम के टुकड़े को क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, कौन से टुकड़े सबसे पहले, यानी यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहा है, यहाँ पे जो मोम का टुकड़ा आपको इस छड़ पर, इस पट्टी पर लगाया गया है, तो ये जो गर्म हो रहा है आगे की ओर से, तो क्या होगा, धीमे धीमे यहाँ से जो शुरुआत में जो पहला मोम का टुकड़ा होगा, धीमे धीमे वो पहले गर्म होगा, धीमे धीमे क्या होगा, प्रोसेस होगी, फिर सभी जो मोम के टुकड़े हैं वो गलना स्टार्ट होंगे। क्या आप सोचते हैं कि उष्मा सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वह प्रक्रम जिसे उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है तो चालन कहलाता है। अर्थात कि जो उष्मा का जिससे वो प्रक्रम है, जिसमें से उष्मा किसी वस्तु से गर्म सिरे से और ठंडे सिरे की ओर, गर्म से ठंडे की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है, तो क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। ठोसों में उष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। जो ठोस वस्तुएं होती है क्या होती है, उष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो खाना बनाने के बर्तन होता है उसमें क्या होता है, जो हैंडल होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक या लकड़ी का लगा होता है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ लगाए उठा सकते हैं? क्या आप कोई गर्म बर्तन को किसी भी वस्तु की सहायता के बिना या फिर कपड़ा के बिना आप ऐसे ही उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। तो क्रियाकलाप 4.7 देखेंगे। क्रियाकलाप 4.7 में देखिए
किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे स्थापनी, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, विभाजित यानी डिवाइडर एकत्र कीजिए। अब क्या करना है आपको, इन सभी को, सभी वस्तुओं को क्या करना है, एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। यानी चित्र 4.8 में आपको दिया गया है, नीचे हम देख लेते हैं एक बार। चित्र 4.8 आपका इस तरह से देखिए यहाँ पे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ हैं आपको उसमें का चालन, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर आगे। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे को छूकर देखिए अपने प्रेक्षणों को। 4.3.5 में क्या करना है आपको, यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। इससे पहले आगे देख लीजिए हम। जो पदार्थ अपने अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। अर्थात कि जो पदार्थ ऊष्मा को होकर डायरेक्टली, जैसे कि आप कोई भी स्टील का बर्तन ले लीजिए, लोहे का बर्तन ले लीजिए, क्या होता है वो आसानी से उसमें वो गर्म हो जाता है और उसमें क्या क्या होता है, चालन होता है। तो क्या कहलाता है, ऊष्मा का चालन कहलाता है। इसके उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन यानी मेरा लोहा, तथा कॉपर यानी तांबा। ये सब क्या है, ये ऊष्मा के चालन के उदाहरण हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। यानी जो पदार्थ हैं ऊष्मा को अपने अपने से आसानी से जाने नहीं देते वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ यहाँ पर, यहाँ पे देख दिया, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए पहले एग्जाम्पल, जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी, ठीक है। प्लास्टिक और लकड़ी क्या है, उसमें कुचालक है। कुचालकों को उष्मा रोधी भी कहते हैं। तो कुचालक क्या है, उष्मा रोधी यानी उष्मा को उष्मा रोधक। जल तथा वायु उष्मा के कुचालक है। जल और वायु क्या है, उष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों में उष्मा संतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। चलिए इसको पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रियाकलाप 4.8 करना पड़ेगा। क्रियाकलाप 4.8 में देखेंगे हम, गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकते हैं। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर पोटेशियम परमेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए, ठीक है। इस तरह से क्या करना है आपको, एक क्रियाकलाप करना है। अब आगे देखेंगे हम, एक स्ट्रोक की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, मोमबत्ती को क्या करना है आपको, जलाकर गर्म जल को गर्म करना है। अब अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख सकते हैं उनका चित्र भी बनाइए। चित्र 4.9, जब जल गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो वाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा का स्थानांतरण इस विधि को संवहन कहते हैं। ये जो भी प्रोसेस थी आपकी क्या कहलाती है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, ये विधि क्या कहलाती है, आपकी संवहन कहलाती है, ठीक है, संवहन कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चित्र 4.9, जल में ऊष्मा का संवहन इस तरह से। अब आगे देखेंगे हम, ऊष्मा में वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, उसके बारे में जानेंगे। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। देखिए हमें क्रियाकलाप 4.9 दिया गया है, एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे को ज्वाला के पार्श्व में रखिए, जैसा चित्र 4.10 नीचे दिया गया है, आपको देखेंगे हम। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं, यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ठीक है। तो आपका जो जो मोमबत्ती के जो ऊपर वाला भाग होगा, ठीक है, हाथ होगा वो ज़्यादा अधिक गर्म होगा। अब यहाँ देखिए चित्र 4.10, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, ठीक है। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे वह जले नहीं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये प्रयोग करते टाइम ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी
अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ की ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी जो वायु होती है स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, जैसा कि चित्र 4.11 में आपको दिया गया है। समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु होती है क्या होती है, समुद्र समीर कहते हैं उसे। समुद्र समीर की जो ठंडी वायु होती है लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियाँ जो होती हैं समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जो जल होता है वो स्थल अपेक्षा धीमी गति से ठंडा हो जाता है, इसलिए स्थल क्या होता है कि और ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं, ठीक है, आपको समुद्र समीर थल समीर, ठीक है, इस तरह से क्या होता है। अब देखिए यह थल समीर कहलाती है। चित्र 4.11 इस परिघटना को दर्शाता है। चित्र 4.11 है आपका, यहाँ पे क्या कहलाता है, थल समीर कहलाता है। अब आगे देखेंगे, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ये सभी सब प्रोसेस है ऊष्मा, ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी विकिरण कहलाती है। आगे देखेंगे, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी ताप यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो क्या होता है, हमें इसी प्रक्रम द्वारा क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देती है तथा उसे ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो इस तरह से ऊष्मा ग्रहण करता है। आगे देखेंगे, सभी गर्म पिंड यानी जो विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका जो कुछ भाग होता है वो क्या होता है, परावर्तित होता है, हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग क्या होता है, परागत हो जाता है। तो जो कुछ भाग है जो ऊष्मा का विकिरण से जो अन्य वस्तुएं टकराती हैं तो क्या होता है, कुछ भाग में वो परिवर्तित होता है, कुछ अवशोषित और कुछ क्या होता है, भाग परागत होता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के बाहर के कारण वस्तु का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। और धूप में बाहर जाते समय आपके छातों का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, चलिए देखते हैं आगे। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, ठीक है, आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों, आइए इसका पता लगाएं। देख लो आप 4.10 देखते हैं, टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए, इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद यानी श्वेत पेंट कीजिए। चित्र 4.12 में आपको दिया गया है। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग एक घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए, क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया देख लीजिए, आपको चित्र 4.12 में काले तथा सफ़ेद पृष्ठ के दो बर्तन दिए गए हैं। जल अधिक गर्म है, केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप के अंतर को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो काले बर्तन में रखा गया जो पानी हो क्या होगा, अधिक गर्म होगा, और जो सफ़ेद रंग के जो पृष्ठ में जो बर्तन में पानी रखा गया है वो कम गर्म होगा। चलिए अब देखेंगे कि अगला आप 4.11 में देखेंगे हम,
देखिए आप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप यानी लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर में कम हुआ? ठीक है, तो इन क्रियाकलाप से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषित करते हैं। जो गहरे रंग के जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं क्या होते हैं, ऊष्मा को अपनी ओर ज़्यादा अवशोषित करते हैं। इसलिए क्या होता है कि गर्मियों में लाइट कपड़े पहनने चाहिए और ठंडियों में डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है और हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आपको कुछ दिया गया है। हम अपने घरों में को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है कि ऊष्मा के ऐसा करने की एक विधि है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए तो कि आजकल उपलब्ध है। ठीक है, अब देखेंगे सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है, इसलिए अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी यानी ट्रैप रहती है। यदि वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है अतः हमें उष्णता को अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी का एक चुनाव करके उपयोग करने की छूट है तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। ठीक है, इसी के साथ आज चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको प्रमुख शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने हैं। प्रश्न ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 1 से लेके 11 तक प्रश्न दिए गए हैं, सभी के उत्तर आपको लिखने रहेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।